तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बिना ऑपरेशन के हार्ट के ब्लॉकेजेस का इलाज के लिए जो थेरेपीज प्रमोट की जाती है उनकी सच्चाई क्या है, उसके लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी के गाइडलाइंस क्या है और क्या सही रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूं वो साइंस, विज्ञान, रिसर्च और इंटरनेशनल गाइडलाइंस, इंटरनेशनल साइंटिफिक गाइडलाइंस पे बेस्ड बातें करूंगा। अगर आप भी मेरी तरह साइंस में, विज्ञान में विश्वास रखते हैं, रिसर्च में, इंटरनेशनल रिसर्च स्टडीज में विश्वास रखते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज इस वीडियो को आप अभी बंद कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी थेरेपिस्ट डिस्कस की है इनकी एक्चुअली साइंटिफिक क्या पोजीशन है, इनके क्या रिकमेंडेशन है और क्या ये थेरेपी सच में एंजियोप्लास्टी और बाईपास के लिए रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे ईईसीपी के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ईईसीपी बेसिकली कोई हार्ट के नस के ब्लॉकेज को खोलने का काम नहीं करती है, बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड पुश करती है हार्ट के अंदर जब हार्ट रिलैक्स होता है। याद रखिए, ये जो एक्स्ट्रा ब्लड का पुश ईईसीपी थेरेपी के द्वारा दिया जाता है, ये नॉर्मली जो नेचुरली हार्ट की नॉर्मल नसों में जो ब्लड फ्लो होता है, जिस क्वांटिटी में ब्लड फ्लो होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, और इसीलिए ईईसीपी के थेरेपी को एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी ब्लॉकेज के लिए, हार्ट की नस के ब्लॉकेज के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया गया है, बल्कि ये उन लोगों में बताया गया है या रेकमेंड किया गया है इंटरनेशनल गाइडलाइंस में जिनमें नॉर्मली जो थेरेपीज होती है एंजियोप्लास्टी, बाईपास, जिसमें हार्ट के ब्लॉकेजेस का इलाज किया जाता है कन्वेंशनली, अगर वो पॉसिबल नहीं है किन्हीं कारणों से, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा रिलीफ देने के उद्देश्य से ईईसीपी को रेकमेंड किया गया है। लेकिन ईईसीपी बिल्कुल भी ये जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास है, जो साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपीज है, उसके लिए एक विकल्प या अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है, बल्कि जहां वो नहीं किया जा सकता है वहां कुछ तो थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से की जाने वाली थेरेपी है। दूसरा हम बात करेंगे किलेशन के बारे में। तो किलेशन में जैसे कि मैंने कहा मैकेनिज्म उसका ये बताया जाता है कि वो ब्लॉकेजेस में से कैल्शियम को निकाल के ब्लॉकेजेस खोलता है। सो लेट मी टेल यू, हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं ना, उसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं होता है, उसमें बाकी भी चीज़ें होती है, जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे इसमें ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स भी होते हैं, रेड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारा उसमें फाइब्रस मेशवर्क भी रहता है, तो इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, कैल्शियम उन सारे कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है। तो फिर सिर्फ अगर कैल्शियम को अगर ये चिलेशन की थेरेपी या किलेशन की थेरेपी निकाल भी लेती है तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी वजह से पूरा ब्लॉकेज ही कम हो जाए, क्योंकि बाकी के तो कंपोनेंट उसके वहीं पर है। और इसी वजह से किलेशन को किसी भी इंटरनेशनल साइंटिफिक गाइडलाइंस में हार्ट के नस के ब्लॉकेज के लिए रेकमेंड नहीं किया गया है। उसके लिए कोई भी ऐसा रिलायबल ट्रायल अब तक नहीं हुआ है। एक ट्रायल का नाम लेते हैं TACT नाम के ट्रायल को, लेकिन उस ट्रायल की जो रिलायबिलिटी है वो भी क्वेश्चनेबल है, और इसलिए आज तक किसी भी इंटरनेशनल साइंटिफिक गाइडलाइंस में इस किलेशन की थेरेपी को हार्ट के नस के ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है। तीसरी हम बात करेंगे नेचुरल बाईपास या कोलैटरल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कोलैटरल्स बहुत ही थिन ब्रिजेस होते हैं, बहुत ही थिन चैनल्स होते हैं जो हार्ट की बड़ी नसों को ज्वाइन करते हैं। याद रखिए, नॉर्मली जो बड़ी नसों में ब्लड फ्लो होता है, जिस क्वांटिटी में ब्लड फ्लो होता है उसके कंपैरिजन में अगेन ये जो कोलैटरल्स है या जो जिन्हें हम नेचुरल बाईपास बोलते हैं, इसमें से होने वाला ब्लड फ्लो काफ़ी कम होता है और वो नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट की नसों में उसको बिल्कुल मैच नहीं कर सकता है। इसलिए ये नेचुरल बाईपास वाला फ्लो एक नॉर्मल नस जितना फ्लो दे ही नहीं सकता है, और वो जो नॉर्मल जो यूजुअल ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी या बाईपास, जिसमें नॉर्मल नस जितना फ्लो हार्ट को दिया जाता है, उसके कंपैरिजन में नेचुरल बाईपास बिल्कुल भी एक विकल्प नहीं है, बल्कि अगेन जिसमें किसी वजह से वो चीज़ नहीं हो पा रही हो, कन्वेंशनल थेरेपी नहीं हो पा रही है, उसमें नेचुरल बाईपास के भरोसे बैठ के थोड़ा रिलीफ डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन जो यूजुअली बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी में जो रिलीफ मिलता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, उसके कंपैरिजन में नेचुरल बाईपास या सिर्फ कोलैटरल्स के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल सही विकल्प नहीं है। और फाइनली मैं बात करूँगा मेडिसिन ओनली ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि कोई ऑपरेशन ना करते हुए सिर्फ अगर मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन दी जाए तो क्या होगा।
तो याद रखिए ये जो मेडिसिन दिए जाते हैं ये मोस्टली मैक्सिमम लोगों में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको उसी लेवल पे स्टेबलाइज कर देते हैं। यानी कि किसी का अगर ब्लॉकेज 80% है तो फिर वो काफ़ी लंबे समय तक अगर दवा बराबर ले रहा है तो 80% पे रहेगा, किसी का 30% है तो काफ़ी लंबे समय तक बिना कोई चेंज हुए वो 30% तक ही रहेगा मैक्सिमम लोगों में जो रेगुलर दवाई ले रहे हों। अब जिसका 30-40% है उसको तो दवा देके ठीक है, अगर वो 30-40% तक ज़िंदगी भर भी रहे ब्लॉकेजेस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनमें हम सिर्फ मेडिसिन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ब्लॉकेज 70-80-90% इतना ज़्यादा हो, हार्ट की मेजर नसों में ब्लॉकेज हो, तो इतने लेवल को वाले ब्लॉकेज को उसी लेवल पे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों में जहाँ पे इतने सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस है वहाँ सिर्फ मेडिसिन के भरोसे इलाज करना एक सही विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। सो टू समराइज, ECP का जो ट्रीटमेंट है वो कभी भी जो यूजुअल ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी और बाईपास उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए वो कुछ ना करने के बजाय अगर कुछ तो आपको करना है तो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन वो यूजुअल ट्रीटमेंट के लिए विकल्प नहीं है। किलेशन की जो थेरेपी है वो साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है तो उसको करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो नेचुरल बाईपास है वो अगेन हमारे जो यूजुअल ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी और बाईपास ऑपरेशन उसकी बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते। और फाइनली मेडिसिन सिर्फ उन ब्लॉकेजेस के लिए है जो ब्लॉकेजेस नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी सीवियरिटी में, और हार्ट की जो बड़ी बड़ी नसें हैं उसको भी उन्होंने ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है उनके लिए मेडिसिन ठीक ठाक है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको एक साइंटिफिकली सही गाइडेंस देगी, और शायद कभी आपको इस तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी तो आपको काफ़ी ये हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेशनल लगा है, सच में यूज़फुल लगा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए आपको कितना यूज़फुल लगा है, और इसको सबके साथ आप शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सब लोगों को फ़ायदा हो। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन करिए, वहाँ मैं रेगुलरली कुछ एक्सक्लूसिव हार्ट हेल्थ रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। और अगले वीडियो तक बाय बाय।